उमेश बाल अपहरण कांड में अतीक अहमद, अशरफ सहित अन्य आरोपियों के मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुनवाई के लिए अतीक, अशरफ को अन्य आरोपियों को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची, जिसके बाद सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अतीक अहमद को दोषी करार दिया है। उमेश बाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके करीबी शौलत हनीफ और दिनेश पासी को MPMLA विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है। इन्हें कुछ देर बाद सजा सुनाई जाएगी। स्पेशल कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ सहित 7 आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है। आपको बता दें, इस मामले में सुनवाई के लिए खास तौर पर अतीक को गुजरात के साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया है। दोनों को नैनी जेल में रखा गया। इस केस में लगभग 17 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में अतीक और अशरफ के अलावा 11 लोग आरोपी और थे, जिनमें से एक आरोपी अंसार बाबा की पहले ही मौत हो चुकी है। सजा मिलने पर रोने लगा अतीक। कोर्ट रूम में अतीक, अशरफ और अन्य आरोपियों के अलावा उनके वकील दयाशंकर पांडेय भी कोर्ट में मौजूद रहे। मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा का ऐलान किया गया। वहीं सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट परिसर में पुलिस का सख्त पहरा रहा। मिली जानकारी के मुताबिक सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट में अतीक और अशरफ गले मिलकर फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। इस बीच कोर्ट परिसर में लोगों की भीड़ जमा दिखी, जो लगातार अतीक को फांसी देने की मांग करते रहे। दो आरोपी रहे अनुपस्थित। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में दो अपराधी कोर्ट में नहीं आए थे, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। दर्ज है 100 से ज्यादा मामले। उमेश बाल अपहरण केस के अलावा अतीक अहमद पर और भी कई मामले दर्ज थे। ऐसे में इस तरह का ये पहला मामला है जब किसी मामले में अतीक को दोषी करार दिया गया हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 100 मामले दर्ज थे, लेकिन अभी तक किसी में भी उसे सजा नहीं हुई। इस मामले में 364A 120B के तहत अतीक, उसके करीबी शौकत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया गया है। इन धाराओं के तहत उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों शौलत हनीफ और दिनेश पासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अतीक अहमद, दिनेश पासी, खान सोलत हनीफ को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। 43 साल में पहली बार अतीक अहमद को सजा किसी मामले में दोषी पाते हुए सजा का ऐलान किया गया। अतीक समेत हनीफ और दिनेश को मिली उम्र कैद की सजा। अतीक पर अब तक 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन आज तक किसी भी मामले में सजा नहीं हुई। अब इस राजनीतिक संरक्षण कहा जाए या अतीक बाहुबली वाले रसूख की हनक, ऐसे में अगर कहा जाए कि आज योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति कहीं न कहीं मुकम्मल साबित होती दिख रही है।